Hello everyone. Now in this lecture, I'll start with the next topic of direct tax, that is income from house property. Lecture number one. अभी starting में आपको बता चुका हूँ direct tax में to calculate the total income, there are total five heads. Income from salary, income from house property, income from business and profession, capital gain and income from other sources. सो दिस इज़ वन ऑफ द हेड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये टॉपिक छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको टोटल इनकम के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी पार्ट आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको दो टाइप के आ सकते हैं, या तो इंडिविजुअली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर जो टोटल इनकम के मिक्स क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिडक्शन, ये सब मिक्स होकर आता है. और ये क्वेश्चन तो एक आता ही आता है हमेशा मिक्स वाला. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इंडिविजुअल चैप्टर्स के क्वेश्चन भले नहीं हो, पर उसका जो रोल है वो टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस में भी है. इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है. छोटा है करके आप स्किप नहीं कर सकते, और छोटा है तो क्यों स्किप करना है, फटाक से हो भी जाता है फटाफट. ठीक है, और एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देना है. और बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, आई वुड से जो भी नोट्स मैंने फॉरवर्ड किया है प्लीज़ उसको आप ओपन करके रखो. वो नोट्स में से एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा, और जहाँ पे डायग्राम शॉर्टकट्स की ज़रूरत है वो भी आपको मैं बता दूँगा. ठीक है, तो नोट्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहला ही पॉइंट है सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज. सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है या नहीं है ये कौन बताएगा, ये सेक्शन 22 बताता है. सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन. एंड वॉट एवर सेक्शंस आई एम टेलिंग यू, ऑल दीज सेक्शंस आर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो दिस आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू टैक्स, दैट वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन इनकम टैक्स, दे आर बाय डिफॉल्ट ऑल द सेक्शंस, ऑल द रूल्स आर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड ऑल रूल्स आर अंडर इनकम टैक्स रूल्स 1962. ठीक है, तो जहाँ भी सेक्शन होगा समझ जाना वो कौन से एक्ट में है. तो सेक्शन 22 बोलता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो चार्जेबल है, मीन्स उसके ऊपर टैक्स लगेगा. अब कब लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, क्या कंडीशंस हैं, वो आगे सब दिया हुआ है. ठीक है, सेक्शन 22 बस ये बोलता है कि आपके पास अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आपके ऊपर टैक्स लग सकता है. सो सेक्शन 22 सेज एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी of which assessee is a owner is chargeable under the head income from house property. तो ये एक सेंटेंस खाली लिखा हुआ है. अब ये सेंटेंस में आप समझ जाना, सबसे मेन कंडीशन तो ये है कि assessee जो है वो ओनर होना चाहिए, तो ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा. अब ये क्या है ओनरशिप, कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये एग्जांपल से बता देता हूँ. सपोज असेसी भी जाने दो, मिस्टर ए समझो, ए इज़ द ओनर ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी एंड ही हैज लेट आउट द हाउस टू मिस्टर बी. सो बी विल पे रेंट टू ए, बराबर, लेट आउट मतलब रेंट पे देना, भाड़े पे देना. सो ये रेंट इनकम ए के लिए ऑब्वियसली कौन से हेड में आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रेंट इनकम मिस्टर ए के लिए हाउस प्रॉपर्टी में इसलिए आएगा बिकॉज ए इज़ ओनर. ठीक है, आपको पता है कि टैक्स उसी को लगता है ना जिसको इनकम होती है, तो यहाँ पे बी का कोई रूल नहीं है, सिर्फ ए के ऊपर ध्यान देना है. सो ए को जो भी रेंटल इनकम मिलेगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा. तो पूरे टैक्स में आपको ये समझना है कि जब इनकम हुआ तो उसको क्या करना है, टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, और अगर टैक्सेबल है तो कौन से हेड में टैक्सेबल है, और एग्जम्प्ट है तो कौन से सेक्शन में एग्जम्प्ट है. सिंपल. अब इसी को थोड़ा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. बी ने सपोज यही हाउस जो है वो सी को दे दिया लेट आउट का, इसको हम लोग बोलते हैं सबलेटिंग, सबलेट किया, क्योंकि ए अकेला ही रहने वाला. सपोज 1 BHK हाउस उसने लिया था पढ़ने के लिए, वो आया है मुंबई में और अकेला पूरे घर में 1 BHK में रहेगा, तो उसने अपने एक फ्रेंड को भी बुला लिया, सी को. सी से बोला कि तू भी मेरा रेंट शेयर कर लेना. सपोज़ अगर रेंट 10,000 है तो 5,000 दोनों मिलके दे देंगे. अब सी जो है वो रेंट किसको देगा, सी तो बी को देगा ना, क्योंकि बी ने सी को बुलाया है.
सो सी विल पे रेंट टू बी, तो ये रेंट इनकम किसके लिए होगी, बी के लिए होगी। और बी जो है वो टोटल 10,000, मतलब ये तो 10,000 जो है वो ए को देगा और सी बी को कितना दे रहा है, 5,000, बराबर। तो सी ने बी को 5,000 दिया, बी ने अपनी जेब से 5,000 डाला और पूरा का पूरा 10,000 जो टोटल रेंट है हाउस का वो ओनर को दे दिया। सो ओनर के लिए तो मैं पहले बता चूंगा, ये 10,000 रेंटल इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा बिकॉज ए इज़ द ओनर। पर ये जो इनकम 5,000 सी से बी को हुई है इसका क्या, तो ये भी तो मिला ना, बराबर, क्योंकि बी के जेब से नेट जो खर्चा है रेंट का वो तो खाली 5,000 ही है। तो ये जो 5,000 उसको सी से मिल रहा है ये भी रेंट ही है, बट ये क्या हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो कर सकते हैं फॉर बी, क्योंकि डिसाइड उसी के लिए करना है ना जिसको इनकम मिली है। तो ये 5,000 किसको मिला है, बी को मिला है। सो बी के लिए ये 5,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि बी ओनर नहीं है, बी कौन है, टेनेंट है। तो इसलिए इस रेंटल इनकम को हम लोग कौन से हेड में दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ओनरशिप है या ओनरशिप नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर ओनर को रेंटल इनकम मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है, और अगर अदर देन ओनर नॉर्मली टेनेंट अगर सबलेट करके रेंटल इनकम अर्न कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है, ठीक है। तो अपने नोटबुक में आप ये डायग्राम वीडियो पॉज करके बना सकते हो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो उसी टाइप के असेसी के लिए है जो हाउस का ओनर है। तो पहली कंडीशन ही सेक्शन 22 ने बोल दिया है कि ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये आगे भी आएगा कि ओनरशिप जो है ना वो एक्चुअली फुल ओनरशिप होनी ज़रूरी नहीं है, पार्टली ओनरशिप रहेगी तो भी चलेगा, बिकॉज जब भी हम लोग हाउस लेते हैं तो दो तीन लोग के नाम पे रहता है ना, दो लोग के नाम पे नॉर्मली तो रहता ही है, तो उसमें दोनों ही जन पार्टली पार्टली ओनर रहते हैं। तो इस केस में भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा। सो आप फुल ओनर हो या पार्ट ओनर हो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी के, तो आपका जो रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। अब वो तो ये एक बेसिक चीज़ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं पर ये एक डायग्राम में नहीं बता सकता, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहले ये वीडियो पॉज करके बना लो, फिर आगे नोट्स में आपको देखना है क्या आगे लिखा हुआ है। तो ये पहला सेंटेंस मैंने रीड किया था, बेसिस ऑफ चार्ज। नाउ सेकंड पैराग्राफ, एनुअल वैल्यू मींस द एनुअल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इट इज़ कंसिडर्ड एज इनकम अंडर दिस हेड इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स हाउस एंड लैंड अपार्टमेंट और अटैच टू इट, एंड सेकेंड असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। तो ये ओनरशिप वाली कंडीशन तो मैंने आपको ये डायग्राम में बता दिया है। अब जो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, देयर मस्ट बी ए हाउस प्रॉपर्टी। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम टैक्स होने के लिए हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आप उसके ओनर होने चाहिए। तो ये शॉर्ट में याद रखना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम तभी आएगी जब आपके पास हाउस है और आप उसी हाउस के ओनर हैं, पार्ट ओनर हो कि फुल ओनर हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब मैं आपको सेकेंड कंडीशन पे यार डिटेल में जाता हूँ कि ये हाउस प्रॉपर्टी क्या है। तो आप लोग तो बोलेंगे हमको पता है कौन सी बड़ी बात है, हाउस तो सबको ही पता है कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। पर इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स हाउस एंड लैंड अपार्टमेंट और अटैच टू इट। तो ये क्या होता है, तो ये ऐसा है कि ये सपोज आपका हाउस है या बिल्डिंग है, आजकल तो फ्लैट सिस्टम ही ज़्यादा है सिटीज़ में, तो बिल्डिंग में भी आपको पता है कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर गार्डन होता है, पार्किंग होती है, स्विमिंग पूल होता है, जो भी है फैसिलिटी। तो ये आपका सपोज घर है, बिल्डिंग है, जो भी है, बंगलो है, जो भी है, ठीक है। तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही आएगा, बट इसके आसपास जो बाउंड्री है आपका गेट के अंदर, जो बाउंड्री वॉल के अंदर जो ओपन स्पेस होता है, ये इसको बोलते हैं लैंड अपार्टमेंट टू द हाउस, अपार्टमेंट मतलब अटैच टू द हाउस। तो ये लैंड जो है ओपन रखना, थोड़ा सा ओपन लैंड रखना कंपलसरी होता है, पार्किंग के लिए, गाड़ी के लिए, आप इसके अंदर गार्डन बनाओ, आपकी मर्जी है, गार्डन बनाइए, स्विमिंग पूल बनाइए, जिम बनाइए, जो चाहिए वो बनाओ, वो आपकी मर्जी है। और वो सारी की सारी चीज़ें हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट होंगी, ठीक है। तो ये आपका ओपन एरिया है, इसमें आप पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, जो चाहिए वो आप अपने घर के लिए बना सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या होंगी,
हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें आपके बाउंड्री वॉल के अंदर ही है। ठीक है, तो ये जो चार दीवार छत वाला घर है ये तो हाउस प्रॉपर्टी है, ये तो हाउस है। साथ में जो आपके बाउंड्री वॉल है इस हाउस से अटैच्ड, बाउंड्री वॉल जो चारों तरफ रहता है उसके, वो भी, ये जो लैंड है इसको बोलते हैं लैंड अपार्टमेंट और अटैच टू द हाउस, ये हो गया हाउस। तो ये हाउस और ये लैंड जो इस हाउस से अटैच है दोनों मिल के हम उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये लैंड का यूज़ आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला आपको ये लैंड पे आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं, जिम बना सकते हो, गार्डन बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। वो सारी चीज़ें भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये लाइन छोड़ के आप सेकंड डायग्राम बना सकते हो कि हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है। ये हाउस है और लैंड है, और लैंड के ऊपर आप जो भी कुछ अपने लिए बना सकते हैं वो सब चीज़ें भी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई। सो हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नाम है ना, तो हाउस होना चाहिए सबसे पहले। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर कोई इनकम आएगी तो क्या होना चाहिए? हाउस होना चाहिए, एंड उस हाउस के आप ओनर होने चाहिए पार्टली या फुल्ली। ठीक है, सो देर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी एंड यू मस्ट बी द ओनर। तो आपके लिए आगे की चीज़ें हैं, अदरवाइज यहीं ख़त्म मामला। तो बाकी चलते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 22 किया हमने, कंडीशंस कर लिया। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नाउ टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में बहुत ही सिंपल है। हाउस तो वही है जो अभी मैंने आपको बताया। टाइप ऐसा है कि आप उसको या तो खुद के लिए यूज़ करोगे या फिर आप उसको रेंट पे दे देंगे, तो यही टाइप हो गया। खुद के लिए यूज़ कर सकते हो या आप उसको भाड़े पे दे दो, कोई और यूज़ करेगा, तो यही है। तो खुद के लिए यूज़ करो या तो लेट आउट कर दो। ठीक है, तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी यही है। अगर आपने उसको रेंट पे दे दिया मतलब लेट आउट कर दिया, तो लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग अभी शॉर्ट में पूरे चैप्टर में हम लोग बोलेंगे LOP। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी। और दूसरा टाइप यह है अगर खुद के लिए यूज़ करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब आगे पूरे चैप्टर में इसको हम लोग बोलेंगे SOP। ठीक है, तो जब भी मैंने बोला SOP समझ जाना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और लेट आउट LOP बोला मतलब वो लेट आउट प्रॉपर्टी। तो आपके पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो या तो आप खुद को, खुद के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आप उसको दूसरे को दे सकते हो भाड़े पे। तो अगर आपने उसको लेट आउट किया, खुद यूज़ नहीं करे दूसरे को दे दिया, तो लेट आउट में भी ऐसा है कि दो टाइप है। आप सामने वाले को देखोगे या तो खुद रहने के लिए वो यूज़ करेगा रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, या फिर वो वहाँ पे शॉप वगैरह चलाएगा। ठीक है, तो लेट आउट भी दो पर्पज़ के लिए हो सकता है, आइदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल। तो यहाँ पे भी है लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल और फॉर कमर्शियल पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए आपने लेट आउट किया है डजन मैटर, ये दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? फुल्ली, फुल्ली तो नहीं, टैक्सेबल ट्रीट होगी। तो याद रखना अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है कोई भी पर्पस के लिए आपने लेट आउट किया है, इधर रेसिडेंशियल और कमर्शियल, डजन मैटर जो भी रेंट आपको मिल रहा है वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो लेट आउट है तो टैक्सेबल है, याद रखना। ठीक है, लेट आउट है तो टैक्सेबल है, कोई दूसरा आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है। अब टैक्सेबल कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू, वो आगे आएगा। ठीक है, ये अभी स्टेप टू है। सो लेट आउट है तो टैक्सेबल है। अब SOP आ जाओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें भी तो वही दो चीज़ें आ जाती है जो यहाँ पे है, या तो आप खुद के रहने के लिए यूज़ करोगे या फिर आप खुद का बिजनेस करोगे कमर्शियल पर्पस। बराबर, तो LOP में भी वही दो चीज़ें, यहाँ पे भी वही दो चीज़ें। सो फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल, आर मीन्स रेसिडेंशियल पर्पस, खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है
फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, बी मीन्स बिजनेस पर्पस। सो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसमें खुद ही बिजनेस कर रहा हूँ, एज अ शॉप यूज़ कर रहा हूँ या कोई सर्विस दे रहा हूँ, अपना ऑफिस खोल के रखा है, कुछ भी है। तो आपको इसको सिंपली करना है इग्नोर। क्यों इग्नोर? क्योंकि ये अगर आप खुद की प्रॉपर्टी में बिजनेस करते हैं तो वो आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये बिजनेस कर रहे हो तो कौन से चैप्टर में आएगा, इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूँ, तो कौन से चैप्टर में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो ये एक मामला ख़त्म हो गया यहीं पर। अब दूसरा आता है SOP फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसमें रह रहा हूँ, तो भाई ये तो बेसिक जरूरी नीड है कि नहीं, एक घर तो रहने के लिए चाहिए हमको, नहीं तो कहाँ रहेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा हम लोग एग्जम्पशन की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड